नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा गर्भाशय नलिका अवरोध ट्यूब ब्लॉक को आयुर्वेदिक इलाज से किस तरह से ठीक किया जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, ना जो मकबाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दवाई को मैं 3 से 4 बार रिपीट करूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माताएं और बहनें बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई न लें। डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और आप हर दवाई को जो है लिख लें, कापी और पेन उठा लें। और मैं कोशिश करूंगा कि हर दवाई को 3 से 4 बार बोलूं ताकि आप आसानी से लिख सकें। काले तिल का चूर्ण 30 ग्राम, 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 गाजर बीज चूर्ण 50 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 ग्राम, सोठ चूर्ण 50 ग्राम, सोठ चूर्ण 50 ग्राम, सोठ चूर्ण 50 ग्राम, अजवाइन चूर्ण 25 ग्राम, अजवाइन चूर्ण 25 ग्राम, अजवाइन चूर्ण 25 ग्राम, अजवाइन चूर्ण 25 ग्राम। सभी को अच्छे से मिलाना है, काला तिल, गाजर का बीज, सोठ, अजवाइन, इसको अच्छे से मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। सबका चूर्ण चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। सुबह और शाम भोजन से आधा घंटा पहले आपको लेना है। पानी से ले सकते हैं, शहद से ले सकते हैं, मलाई से ले सकते हैं, जो आपके पास हो उससे ले सकते हैं आप। एक बार फिर से दवाई का नाम और लेने का तरीका बता देता हूं। काले तिल का चूर्ण चाहिए 30 ग्राम, गाजर बीज का चूर्ण चाहिए 50 ग्राम, सोठ चूर्ण चाहिए 50 ग्राम, अजवाइन चूर्ण चाहिए 25 ग्राम। सभी को अच्छे से मिलाकर 60 पुड़िया बनाना है। सुबह और शाम भोजन से आधा घंटा पहले पानी से ले या शहद से ले या मलाई से ले, जो भी आपके पास है उससे ले। अगली दवाई है स्त्री रसायन वटी 60 ग्राम, 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 चंद्रप्रभा वटी 60 ग्राम, चंद्रप्रभा वटी 60 ग्राम, चंद्रप्रभा वटी 60 ग्राम, चंद्रप्रभा वटी 60 ग्राम, रजत प्रवर्तनीय वटी 40 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 ग्राम। एक एक गोली दिन में 2 बार, एक एक गोली दिन में 2 बार, प्रातः नाश्ता, दोपहर के भोजन एवं साय के भोजन के आधा घंटा बाद गुनगुने पानी से लेना है। हल्का गर्म पानी उससे ले लें। दवाई का नाम फिर से बता देता हूँ, लेने का तरीका फिर से बता देता हूँ। रसायन वटी 60 ग्राम, चंद्र प्रभाव वटी 60 ग्राम, रज प्रवर्तनीय वटी 40 ग्राम। एक एक गोली दिन में 2 बार लेना है आपको, प्रातः नाश्ता, दोपहर भोजन और रात्रि भोजन। तो अगर 3 बार ले रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार तो आपको अवश्य लेना चाहिए। तो इसको जो है आधा घंटा बाद लेना है, भोजन के आधा घंटा बाद गुनगुने पानी से लेना है। तो ध्यान रखिएगा, हल्के गर्म पानी से ले लें खाना खाने के बाद। अगली दवाई है दशमूलारिष्ट 450 मिली, दशमूलारिष्ट 450 मिली, दशमूलारिष्ट 450 मिली, दशमूलारिष्ट 450 मिली, पंत्रागासव 450 मिली, पंत्रागासव 450 मिली, पंत्रागासव 450 मिली, पंत्रागासव 450 मिली। 4 चम्मच औषधि में 4 चम्मच पानी मिला लें। प्रातः और साय भोजन के बाद सेवन करें, माताओं और बहनों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। फिर से दवाई का नाम बताता हूँ, लेने का तरीका बता देता हूँ। दशमूलारिष्ट 450 मिली, पंत्रागासव 450 मिली, 4 चम्मच औषधि, 4 चम्मच पानी, प्रातः साय भोजन के बाद आपको लेना है। तो इस तरह से अगर माताएं बहनें लेती हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा। डॉक्टर की सलाह से अगर दवाई खाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।